स्टूडेंट्स एक्चुअली सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ सेल्स एंक्लोज्ड विद इन इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड। पूछा गया कि जो मास ऑफ सेल एंक्लोज्ड होता है इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट, बोथ ए एंड बी, न्यू सेल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे ओव्यूल का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो उसमें जैसे कि यहाँ पे ये जो ऊपर ओव्यूल जो है, यहाँ पे ओव्यूल जो है ये क्या है, ये नीचे जो है ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है। और यहाँ पे जो है अंदर जो है सबसे अंदर की तरफ क्या होगा, एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय न्यूसेलस, इट इज सराउंडेड बाय न्यूसेलस। एंड जो न्यूसेलस है इसके बाहर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ सबसे आउटरमोस्ट वाला जो है ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, इसके अंदर की तरफ इनर इंटेग्यूमेंट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो है यहाँ पे जो ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का जो यहाँ पे जो फ्यूज हो रहा है ये वाले जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, हाइलम। तो पूछा गया है कि जो मास ऑफ सेल एंक्लोज्ड है इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ उसे हम क्या कहते हैं, तो इंटेग्यूमेंट जो है ये दोनों क्या है, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। सो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर की तरफ जो मास ऑफ सेल, मतलब ये बोला गया तो जो मास ऑफ सेल एंक्लोज्ड है इसके अंदर की तरफ इसे क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक नहीं बोलते, एम्ब्रियो सैक क्या है, ये वाला है अंदर की तरफ, न्यूसेलस के अंदर की तरफ। फीमेल गैमेटोफाइट भी एम्ब्रियो सैक को ही कहते हैं, बोथ ए एंड बी, ये तो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूसेलस करेक्ट है, मास ऑफ सेल जो एंक्लोज है इंटेग्यूमेंट के अंदर की तरफ उसे न्यूसेलस बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन, दैट इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।